हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में मुझे भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी भाई आज ही के दिन आज़ाद हुआ था, यानी कि आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे है। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से गाँव में था और यहाँ पर कोई वीडियो डाल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना Q&A वीडियो कर दी जाए, Q&A वीडियो डाल दी जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपके कई सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट में, वो क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल भी आए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सकता है आपका आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट हो सकता है आपका भी डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सुनील महाना जी ने। सॉरी अगर मैं किसी का भी नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करता हूं, तो क्योंकि नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सर CGL नोटिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट बने होने की क्रूशल जो डेट है वो 21 नवंबर 2019 है, क्या मैं अब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाऊंगा तो DV में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर नोटिफिकेशन में कोई डेट दी हुई है तो उसका कुछ मतलब होता है। अगर आप उस डेट के बाद में कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो जो वहाँ पे अथॉरिटी है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, उस पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, पर उनके पास उसे रिजेक्ट करने के पूरे पूरे अधिकार होते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिनाई कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है लोपा भद्रा राठ, सॉरी अगर नाम वापस बोल रहा हूँ, ये शायद राठी होंगे। भाई विच डिपार्टमेंट हैज़ बेटर प्रमोशनल एस्पेक्ट इन केस ऑफ LAC? देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल के लिए मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पता किया है, तो बहुत मेरी भी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ी है। तो मुझे जो पर्सनली जो फील हुआ है वो ये है कि AFHQ से बेटर LDC के लिए कोई प्रमोशन किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो। अगर आप एग्ज़ाम देने की बात करते हैं तो सबसे बेटर प्रमोशन आपको मिलेंगे CGDA में, जहाँ पर आप 2 साल में गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। बट विदाउट एनी एग्जाम AFHQ में सबसे बेस्ट प्रमोशन है आज की डेट में। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है सुशांत अवाले का। ये बोलते हैं क्या MTS में यूनिफॉर्म होता है। देखिए फ्रेंड्स, MTS में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये एक सिविल जॉब है। बट MTS को कहीं पे ऐसे काम दिए जाते हैं जैसे कि माली वाले काम है, कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि इनको पर्सनल ऐसे काम दे दिए जाते हैं, या फिर ड्राइवर का काम दे दिया जाता है, तो वहाँ पर इनको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। और जब भी फ्रेंड्स आपको MTS अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आपको वहाँ पे एक ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि 5,000 रुपये पर ईयर मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाल मिश्रा जी का। ये बोलते हैं सर ग्रेटिंग्स, WO में ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और TADA कितना मिलता है ड्यूरिंग ऑडिटिंग। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि अगर मैं CGDA WO की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको जनरली TADA नहीं मिलता है, क्योंकि CGDA के केस में फ्रेंड्स ये होता है, जो यूनिट है वो आपको गाड़ी भेज देती है, और उसी गाड़ी से आपको यूनिट में जाना होता है, और वो आपको वापस ड्रॉप भी कर देती है। तो जनरली ये होता है कि ऑडिट टीम कभी भी TADA क्लेम नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूनिट प्रोवाइड करवा देता है। और अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो लीस्ट अमाउंट होगा, यानी कि बस का किराया या फिर जो भी WO होगा, तो उसको फिर टैक्सी का किराया मिलेगा। बट जो यूनिट जो व्हीकल बेचती है, उसमें आपको उससे ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। वो आपको कभी कभी घर वगैरह भी ड्रॉप करवा देते हैं, बाकी सारे काम भी हम उनसे निकलवा लेते हैं। तो इस चक्कर में TADA नहीं लेते हैं ज़्यादातर CGDA डिपार्टमेंट में। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स CAG डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर आप TADA क्लेम कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्ट हैं, आप ऑडिटर हैं, सीनियर ऑडिटर हैं, आपके ग्रेड पे क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग TADA का रेट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह शिवनाथ सिंह का। हेलो सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL 2020। इफ़ आई गोट सिलेक्टेड इन SSC CHSL 2019, एग्जाम्स आर इन अक्टूबर, विल ऐसे नाइट शिफ्ट पोस्ट विल बी गुड, कैन आई चूज द शिफ्ट बाई माई ओन। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप अपने आप से शिफ्ट चूज नहीं कर सकते हैं, आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं वहाँ पे कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए, मतलब पहले ऐसे चाहिए या फिर PA चाहिए। और जब आपको ऐसे मिल जाती है, तो आपके डिवीजन में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पर्सनली। पिछली ये चीज़ नहीं होती है, बट जब आप डिवीजन आपको जो भी मिलते हैं, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे जो RMS वगैरह है उनमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि मेरी जो पोस्टिंग है नाइट वाली रहे।
और ऐसे भाई अच्छी पोस्ट है क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट डे पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो आपको टाइम वहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है द प्रोफेसर जी पूछते हैं हमसे, सर CGDA में स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगते, लेकिन मैंने सुना है कि वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग देने की कोशिश करते हैं, इस बात में कितना सच है? देखो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, सबसे पहले जब वैकेंसी आती है तो जो भी CGDA के अंडर जितने भी कमांड आते हैं वो सबसे पहले अपने वैकेंसी बताते हैं कि हमारी कमांड में इतनी इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर जब पोस्टिंग आपको दी जाती है CGDA में, तो वहाँ पे ये बात सही है कि स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगते हैं CGDA, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट अगर आपके सर्किल में, आपके स्टेट में वैकेंसी है, तो ये कोशिश जरूर की जाती है वो तो आपके स्टेट के नियर में ही पोस्टिंग मिले। जैसे कि मेरा स्टेट राजस्थान है, राजस्थान में वैकेंसी नहीं होंगी तो मुझे दिल्ली दे दिया। और मेरे साथ में ये हुआ था कि कई सारे लोगों को जो चंडीगढ़ के थे उनको अम्बाला वगैरह या फिर चंडीगढ़ वहीं पे पोस्टिंग दे दी थी। इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है जो पोस्टिंग देता है वो ऑफिसर का उस टाइम पे माइंड कैसा है, मतलब वो क्या चाहता है, रेंडमली भेजना चाहता है या फिर वो चाहता है कि आपकी पोस्टिंग आपके होम स्टेट के नियर दी जाए। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है लोपा भद्रा राठ जी का, वाई वैकेंसीज ऑफ LDC एंड SSC CHSL आर डिक्रीजिंग, व्हाट इज योर व्यू अबाउट मोदीज गवर्नमेंट स्टूपिडिटी? देखिए फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हम बोल नहीं सकते, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी सरकार है उसके खिलाफ हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, वैकेंसी जो डिक्रीज हो रही है वो आप समझ सकते हैं किन वजह से हो रही है। गवर्नमेंट का प्रेशर होता है और बाकी सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स पे प्रेशर होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ डिक्रीज करो। आई एम न्यूट्रल ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो सब हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है, वो सब चीज़ें फ्रेंड्स आप भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रवि प्रोलू कृष्ण कुमार जी का, इज देयर एनी सेपरेट मेडिकल फॉर CGDA और सिंस आई एम ऑलरेडी हैविंग मेडिकल टेकन विद इन 3 ईयर्स? उनका कहना यह है कि मैंने 3 साल के अंदर और कोई मेडिकल दिया हुआ है, तो क्या मुझे CGDA के लिए वापस से मेडिकल देना होगा या फिर मैं स्किप कर सकता हूँ? देखो फ्रेंड्स, जब आप हर जो एग्ज़ाम है उसके अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, भले ही आपने मेडिकल कवर कर लिया हो पूरा, बट आपका यहाँ पे वापस से मेडिकल होगा। और CGDA का मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट किसी भी तरीके से आप ये मेडिकल स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इन्हीं का है, ये बोलते हैं आई हेयर दैट प्रमोशनल एस्पेक्ट आफ्टर सीनियर अकाउंट ऑफिसर आर वेरी स्लो, कैन यू क्लेरिफाई? एंड इन CAG इट सीम्स दैट AO एंड सीनियर AO हैव बीन क्लब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इट इज ट्रू? CGDA की मैं बात करूँ तो ये बात सही है कि सीनियर अकाउंट ऑफिसर के बाद में प्रमोशन थोड़े से स्लो हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी हायरार्की है, मतलब जो आपकी अपर पोस्ट है और जो लोअर पोस्ट है, उनका एक फिक्स रेशियो होता है कि इतने सीनियर अकाउंट ऑफिसर होंगे तो इतने ACDA होंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है फ्रेंड्स वैकेंसीज के ऊपर। अगर वैकेंसी ज़्यादा हो जाती हैं तो प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और अगर वैकेंसी स्लो होती हैं तो प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं। ये फ़ायदा है वहाँ पे अगर दोनों पोस्ट क्लब कर दी हैं, अकाउंट ऑफिसर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर की, तो आप समझिए वहाँ पे प्रमोशन का एक स्टेप कम कर दिया गया है। वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर से सीधे आप ACDA की रैंक पे, जो भी वहाँ का डेजिग्नेशन होगा, वहाँ पे आप सीधा जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुष शर्मा जी का, ये पूछते हैं CGDA में गर्ल्स भी जॉब करती हैं क्या? हाँ भाई, CGDA में बहुत सारी गर्ल्स जॉब करती हैं, और जो गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो ऐसा नहीं है कि CGDA गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रेवलिंग इसमें होती है, हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की ट्रेवलिंग होती है और थोड़ा सा ट्रांसफर होता है, बाकी गर्ल्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम इस डिपार्टमेंट में नहीं है। क्वेश्चन है रियल एरिस्टोटल ग्रीस वाले, क्या नाम है भाई, सॉरी प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से भाई, एक क्वारी है CGL 2018 में CAG ऑडिटर का स्टेट वाइज वैकेंसी पता करवा दो। देखो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं RTI लगवा दूंगा जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और उसका जब रिप्लाई आएगा तो मैं वापस से चैनल पे अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन है लॉस्ट वोल्फ का, अभी कुछ दिन पहले CSE 19 का रिजल्ट आया है, तो मैंने 2 ITI का रिजल्ट देखा जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया। क्या 2020 में भी ITI बेस्ट पोस्ट है फॉर CSE प्रिपरेशन? पब्लिक डीलिंग की पोस्ट को अलग छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी पोस्ट में हम ये नहीं बता सकते पहले से कि इस पोस्ट में वर्कलोड कितना होगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग वाले में तो वर्कलोड होगा ही होगा, बट बाकी जो पोस्ट हैं डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जाके आपकी जो पोस्ट है उसका वर्कलोड कितना है, जो आपकी सीट मिली है उसका वर्कलोड कितना है।
तो हो सकता है फ्रेंड्स जो दो आईटीआई आपने देखे हो उनकी जो टास्क है वहाँ पे कम हो या फिर उन्होंने छुट्टी ले ली हो। बहुत तरीके होते हैं तैयारी करने के, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आईटीआई ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी या फिर किसी और एग्जाम की। तो फ्रेंड्स लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। दीप जायसवाल ने पूछे हैं WO में पैसा। तो फ्रेंड्स देखो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ये एक सोशल मीडिया है। बट फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि इसमें पैसा कितना है, अंडर द टेबल मनी कितनी है। भाई आप जॉब के बारे में सोचो, आप अच्छी पोस्ट के बारे में सोचो, भगवान को अगर आपको कुछ देना होगा ना किसी भी पोस्ट पर कभी भी दे देगा। ऐसा कभी कभी होता है कि जो आपने LDC की पोस्ट में देखा होगा वो आपको ITI में भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो, अगर आपको जो भी चीज़ें मिलनी होगी गॉड आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, भले ही आप किसी भी पोस्ट में हो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, आदि योगी द फर्स्ट योगी, 1 मार्क क्वेश्चन, विनोद किस पोस्ट पे जॉब कर रहा है? तो विनोद आज के दिन भाई ट्रेंड कर रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका फंडा क्या है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसे ट्रेंड हुआ है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी एनीथिंग कुछ भी मतलब ट्रेंड कर जाता है। अगर आपको पता है किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। आज के लिए इतना ही, आई होप मैंने अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन मुझे लगे थे सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। बट अगर फिर भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वापस से क्वेश्चन डाल दीजिए। और फ्रेंड्स अगेन आपको आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वापस से मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।